नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज ट्रेनिंग का क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, 2x³ - x²y - 2xy² + y³ - 4yx² + 12x² + 12x² + 3y - 3x + 4=0। तो ये है रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका एसिम्प्टोट हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों सिंस का साइन देते हुए सबसे पहले मैंने लिखा है क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ये रहा, सेम टू सेम आपसे देख ही रहे होंगे। उसके बाद फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो क्या था दोस्तों, हम लोग हाइएस्ट डिग्री कर्व का फाइंड करते हैं। तो हाइएस्ट डिग्री कर्व का वो आप सभी को पता है, यहाँ पे 3 है क्योंकि वेरिएबल्स के पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स 3 है, तो माफ कीजिएगा, वेरिएबल्स यहाँ पर सिर्फ x का हाइएस्ट पावर 3 है। उस तरह यहाँ पे 2 और इसका भी पावर 1 ऐड करते हैं, तो 2 और 1 3। आपके ध्यान देना होगा एसिम्प्टोट का ऐसा रूल होता है कि वेरिएबल्स का पावर ऐड करके हम लोग हाईएस्ट डिग्री कर्व का फाइंड करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल और रेडिकल्स वाले फॉर्मूला का यूज नहीं करते, इसलिए इस कंफ्यूजन से आप बचिएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हाईएस्ट डिग्री जो कि हम लोगों ने कर्व का फाइंड कर लिया, जो कि हमारा 3 रहा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग हाईएस्ट डिग्री वाले जो टर्म होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग सेपरेट करते हैं, मतलब अलग लिखते हैं, मतलब एक अलग फंक्शन में। तो 5 3, चूंकि हम लोग हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है, तो इसलिए हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो जो थे हम लोग इसमें से जो हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था इसमें से हम लोग अलग सेपरेट कर लिए। तो वो क्या था दोस्तों, यहाँ पर 2x³ था, -x² y था, -2xy² था, +y³ था। ये हमारे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म है। अब चूंकि हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म में हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं, पुट क्या करते हैं, x=1 and y=m। जब x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं इक्वेशन में और y के प्लेस पे m पुट करते हैं इक्वेशन में, तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन है वो m के फॉर्म का बन जाता है, 5 3, जो कि कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अब चूंकि m के फॉर्म का बन चुका है, इसलिए चूंकि हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अब m के वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो m के वैल्यू फाइंड करने के हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होते हैं उसको हम लोग 0 से इक्वेट कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे होंगे दोस्तों, इसको मैंने 0 से यहाँ पे इक्वेट कराया। इक्वेट कराने के बाद फाइनली हमारा जो इक्वेशन एम के फॉर्म का था वो ये रहा दोस्तों, =0। तो इसको थोड़ा सा आइए हम लोग अरेंज कर लेते हैं, जो कि डिक्रीजिंग और मतलब पावर में हो। तो यहाँ पर क्यूब, फिर power 2, फिर power 1, फिर यहाँ पे पावर खत्म, मतलब कि 0, ये कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हर बार की तरह से क्योंकि 1 2 3 4 टर्म है, तो कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, इन दोनों टर्म से m² कॉमन निकाला, सिमिलरली यहाँ पर से -1 कॉमन निकाला। तो निकालेंगे जब हम लोग कॉमन, तो यहाँ पर देखिए m-2 m-2 दोनों सेम आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाकी सब तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, -2 को एक साथ रखते हैं और m² -1 को एक साथ रखते हैं। उसके बाद बारी बारी से 0 को इक्वेट करा के m के वैल्यूज फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारा अगला स्टेप आप देख ही रहेंगे दोस्तों, फाइनली जब m² -1 को 0 से इक्वेट कराते हैं, तो यहाँ पर m के 2 वैल्यू जाते हैं, जो कि होता है एक +1 और दूसरा -1। उसी तरह जब m² को 0 से इक्वेट कराते हैं, तो तीसरा वैल्यू निकलता है m को, जो कि होता है 2। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, m = +1, फिर दूसरा -1 और m = 2, मतलब हमारा यहाँ पे 3 वैल्यूज निकल चुका, मतलब इसके 3 एसिम्प्टोट आएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कर्व का यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री कर्व का कितना था दोस्तों, 3 था, और यहाँ पर वैल्यू भी 3 आ चुका है। इसका मतलब कि इक्वेशन हमारा, मतलब जो एसिम्प्टोट निकलेगा वो राइट निकलेगा। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू आता, तो एक वैल्यू हम लोग को पैरेलल थ्योरम से यूज करके निकालना पड़ता। तो आइए इसको थोड़ा और अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, अगला स्टेप दोस्तों 5 3 - 1, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री से एक कम वाले डिग्री को हम लोग फाइंड करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कितना दोस्तों, 3, तो 3 से एक कम वाले डिग्री, मतलब 2 डिग्री वाले टर्म में। तो जो कर्व है हमारा, जो कर्व का एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से जो 2 डिग्री वाले टर्म है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों, 2 डिग्री वाले टर्म को यहाँ पे मैंने लिखा है, जो कि -4y² + 12xy - 8x² ये रहा। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है, माफ कीजिए यहाँ पर 2 होगा, तो 5 2 जो हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसमें पुटिंग करते हैं। सिमिलरली जैसे कि हाईएस्ट डिग्री टर्म में x = 1 और y = m पुट किया, तो उसी तरह इसमें भी x = 1 और y = m पुट करेंगे। जब इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो m के फॉर्म का इक्वेशन बनेगा, जो कि ये रहा कुछ ऐसा आपको दिखेगा, -4m² + 12m - 8। अब चूंकि ये वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली, इसलिए आज चलते अगले स्टेप में। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, जो कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 3m = तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हमारा m के फॉर्म का क्या है दोस्तों, m³ - 2m² - m + 2 है। तो उसको क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उसका डिफरेंशियल ऑर्डर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा एम के रिस्पेक्ट में, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, जो कि रहा 3m² - 4m - 1। अब चूंकि सारे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को बारी आता है सी के वैल्यूज फाइंड करने के लिए, इसलिए सी का जो फॉर्मूला होता है यह सभी को पता है दोस्तों, कि -5n - 1 मतलब एम डिवाइडेड बाई 5n, मतलब हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल ऑर्डर, और हाईएस्ट डिग्री में से कम, मतलब 2 डिग्री वाले टर्म को न्यूमिनेटर में रखेंगे और डिफरेंशियल ऑर्डर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो उसी वैल्यूज को देखिए, यहाँ पे देख सकते होंगे मैंने रखा, जो कि 2 डिग्री वाला टर्म जो कि ये रहा आपको मैंने यहाँ पे रखा, और डिफरेंशियल वाला टर्म ये रहा,
यहाँ पे रखा। अब चूंकि इसको कुछ कर नहीं सकते इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से जो हम लोग नेम के वैल्यूज यहाँ पे फाइंड किए हैं +1 -1 और 2, इसको वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से सी के प्रॉपर वैल्यूज को फाइंड करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगले स्टेप में। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते होंगे जब दोस्तों कि जब हम लोग पुट करते हैं, जब M1 जो पहला वैल्यू हमारा M का होता है जो कि पॉजिटिव 1 होता है, जब इसको पुट करते हैं तो C का जो वैल्यू निकलता है वो 0 निकलता है। आप चाहे तो रफ में जाकर चेक कर सकते हैं इक्वेशन में, जो हमारा C का है उसमें आप M के वैल्यूज को 1 पुट कीजिएगा पॉजिटिव 1, तो C का जो वैल्यू निकलेगा वो पहला वैल्यू हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, 0 निकलेगा। उस तरह जब M2 पुट करते हैं जो कि हमारा -1 था, तो उसी तरह हम लोग जब पुट करते हैं यहाँ पर क्या निकलता है दोस्तों, 4 निकलता है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जब -1 पुट करते हैं तो हम लोग C2 जो दूसरा वैल्यू निकलता है वो 4 निकलता है। उस तरह जब हम लोग पुट करते हैं क्या M3 जो तीसरा वैल्यू M का निकलता है वो मतलब कि जो हमारा है 2 है, इसको पुट करेंगे तो C3 जो तीसरा वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो ये सारे वैल्यूज को आप चाहे तो रफ में चेक कर सकते हैं बारी बारी से M के वैल्यूज को पुट करके, जो हमारा C का इक्वेशन दिया हुआ है आपको जो ये वैल्यूज दिख रहे हैं, पहला वैल्यू 0, दूसरा वैल्यू 4, तीसरा वैल्यू भी 0, यही वैल्यू आपको रफ में मिलेगा। तो आइए दोस्तों सारे वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। तो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन। हम सभी को पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन y=mx+c होता है। तो पहले वैल्यू m = आपको यहाँ पर हेंस के प्लेस पे यहाँ पर देयर फोर होगा, क्योंकि हम लोग अब इसको हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप सभी को पता है y = mx+c होता है। तो पहले m के पहले वैल्यू के लिए C1 क्या था दोस्तों, 0 था, मतलब m का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट किया तो C1 हमारा 0 था। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, x को इधर लिखाएगा तो -x हो जाएगा, नेगेटिव वहां से कॉस कॉमन निकलेगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, वाई हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन जो कि एसिम्प्टोट का ये निकलता है। उस तरह जब दूसरा वैल्यू जैसे यहाँ पे देख सकते हैं y = m2 + m2x + c2, मतलब m को दूसरे वैल्यूज के लिए, तो दूसरा वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर -1 है। तो उसका हम जब -1 पुट किया तो सी का वैल्यू क्या आया था दोस्तों, 4 आया था। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आपको एसिम्प्टोट का कुछ ऐसा मिलेगा जो कि दूसरा होगा। और तीसरा इक्वेशन दोस्तों y = mx + c3, मतलब कि m3x + c3, मतलब तीसरे वैल्यू के लिए, तो तीसरा वैल्यू हमारा 2 था तो c3 हमारा 0 आया था। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा आपको ये निकलेगा। इसलिए फाइनली आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हेंस अतः द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट आर। तो रिक्वायर्ड जो हमारा एसिम्प्टोट हम लोगों ने फाइंड किया वो क्या क्या है दोस्तों, x - y = 0 पहला, और दूसरा क्या है दोस्तों x + y - 4 = 0, और तीसरा क्या है दोस्तों 2x - y = 0। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मैथ का सॉल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।